स्वच्छता को अपनाना है, जन जन को संदेश पहुंचाना है। नमस्कार दोस्तों। अरे, मुझे देखकर कुछ बच्चे मुस्कुरा रहे हैं और कुछ हैरान हो रहे हैं कि मैं यहाँ कैसे आई। मुझे लगा कि मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हूँ और मेरा इस्तेमाल सभी लोग करते हैं। तुम्हारे मन में सवाल उठा होगा कि क्या सच में सभी लोग मेरा इस्तेमाल करते हैं, कि कुछ ऐसे हैं जिनके लिए मैं बहुत जरूरी हूँ क्योंकि मैं उनके जीवन यापन का जरिया हूँ। जी हाँ, मैं एक झाड़ू हूँ। लोग मेरा इस्तेमाल सफाई के लिए करते हैं। आज इस वीडियो के पात्र नंदी और मीरा के द्वारा मैं आपको सफाई की आवश्यकता के बारे में और सफाई रखने में सहायक लोगों से अवगत करवाऊंगी। इस वीडियो के उद्देश्य हैं क, स्वच्छता का महत्व, ख, सफाई कर्मचारियों का समाज में योगदान। आज कितना अच्छा मौसम है। हाँ, बहुत मजा आ रहा है। अरे, यह अजीब सी गंदी महक कहाँ से आ रही है? जब जब हवा चलती है यह गंध आती है। मुझे भी ऐसा महसूस हुआ। चलो चल कर देखते हैं। अरे वह देखो, वह तो रमा काकी का घर है। उसी के बाहर पड़े कूड़े से यह गंध आ रही है। लगता है उन्होंने घर का सारा कूड़ा बाहर फेंका है और बरसात होने की वजह से वो और ज्यादा महकने लगा है। काकी, जरा बाहर आना। अरे मीरा और नंदी, कैसे आना हुआ? काकी, हम आए नहीं, बुलाए गए हैं। पर मैंने तो तुम लोगों को नहीं बुलाया। आपने नहीं बुलाया, पर आपके घर के बाहर पड़े कूड़े की गंध ने बुलाया। मजाक करती हो दोनों कि कूड़े ने बुलाया है। काकी, ये मजाक नहीं है। जिस तरह से इस कूड़े की गंध के कारण हम यहाँ आए हैं, उसी प्रकार यह अनेक बीमारियों को भी न्योता दे रहा है। आप ही नहीं, पता नहीं कितने और लोग बीमार पड़ेंगे इस कूड़े की वजह से। काकी, आपने अपना घर तो साफ कर लिया, लेकिन घर के आसपास के पर्यावरण के बारे में सोचे बिना कूड़े का ढेर बाहर लगा दिया। बरसात आने की वजह से यह गीला हो गया है और सड़ गया है। देखिए कितनी मक्खी और मच्छर इस पर भिनभिना रहे हैं। कूड़े की गंध घर के अंदर तक आ रही है, और पर मैं समझ नहीं पा रही थी कि महक कहां से आ रही है। हमारे मास्टर जी ने बताया था कि मक्खी मच्छर किसी भी गंदी जगह के कीटाणु अपने पैरों और पंखों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। इसी तरह से ये बीमारियों के कीटाणु फैलाते हैं और बीमारियां होती हैं।
क्या हम कीटाणु देख सकते हैं जब वे मक्खी या मच्छर के साथ उड़कर आते हैं? नहीं काकी, ये दिखते नहीं है। ये अति सूक्ष्म कीड़े होते हैं जो अनेक रोगों के वाहक या कारण बन जाते हैं। मतलब अगर ये मेरे घर उड़ते हुए मक्खी या मच्छर के साथ आ जाएं और यही मक्खी या मच्छर मुन्ना को काट ले या उसके खाने पर बैठकर उसे दूषित कर दे तो वह बीमार हो सकता है। हाँ काकी, इसलिए आगे से कूड़ा बाहर ना फेंकना। तो कहाँ फेंकूं? चुन्नू सफाई कर्मचारी भी कभी आता है और कभी नहीं आता है। आज फिर वह नहीं आया है। पूरे गांव से कूड़े को हटाने की जिम्मेदारी केवल चुन्नू काका की ही नहीं है, यह हम सब का कर्तव्य है कि अपने आसपास की सफाई को बना कर रखें। अच्छा एक बात बताइए, आपकी रसोई से जो कचरा निकलता है, जैसे फल और सब्जी के छिलके, बासी खराब खाना, अंडे के छिलके, क्या आंगन में फैली सूखी पत्तियां आदि और घर के बाकी हिस्सों से निकला कूड़ा, जैसे कांच की खाली बोतल, कोई धातु, कागज आदि, आप इन दोनों प्रकार के कूड़े को अलग अलग करके निष्कासित करती हैं कि एक साथ? कूड़ा तो कूड़ा होता है, सब एक साथ ही फेंकती हूँ। यही तो आप गलती करती है काकी। सूखे और गीले कूड़े को हमेशा अलग अलग निष्कासित करना चाहिए। मास्टर जी ने तो हमें यह भी बताया था कि शहर में तो सूखे कूड़े को फेंकने के लिए नीला कूड़ेदान और गीले कूड़े के लिए हरा कूड़ेदान जगह जगह पर महापालिका द्वारा रखा गया है, जिससे कि लोग सड़कों पर कूड़ा न फेंके। मास्टर जी ने ये भी बताया था कि सूखा कूड़ा जैसे कांच की खाली बोतल, कोई धातु, कागज आदि को रिसाइकिल करके दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। रिसाइकिल का अर्थ क्या है? रिसाइकल का अर्थ है प्रयोग की गई वस्तु से पुनः उपयोगी चीजें बनाना। और आपको एक मजे की बात बताएं, ये जो गीला कूड़ा है उससे भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें बन सकती हैं। कूड़े से भी कुछ बन सकता है भला, कूड़ा तो कूड़ा है। बिल्कुल बन सकता है काकी। हमारे मास्टर जी ने हमें बताया था, इस गीले कूड़े को एक गड्ढा खोदकर, जिसे खाद का गड्ढा कहते हैं, उसमें इकट्ठा करें। यह गड्ढा कम से कम 1 फुट गहरा होना चाहिए। इसमें आप सूखी पत्तियां, खराब खाना, फल और सब्जी के छिलके आदि फेंक सकते हैं। कुछ दिनों में यह विघटित हो जाएगा और खाद के रूप में बदल जाएगा, जिसे आप अपने पिछले आंगन में जहां आपने सब्जी उगाई है वहां इस्तेमाल कर सकती हैं। ये खाद जैविक खाद होती है, इसीलिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसका इस्तेमाल काका खेत में भी कर सकते हैं। मतलब हम जो रासायनिक खाद बाजार से खरीद कर खेत में डालते हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी? अरे काकी, वह तो वैसे भी खेतों में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। रसायन मिली खाद फसल के लिए अच्छी नहीं होती, वह उसके और मिट्टी के पौष्टिक तत्वों को नष्ट करती है।
यह तो बहुत ही अच्छी बात बताई तुम लोगों ने। मैं तुम्हारे काका से आज ही आंगन में एक गड्ढा खुदवाती हूँ। नमस्ते मीरा दीदी, नंदी दीदी। नमस्ते मुन्ना। माँ मुझे कुछ खाने को दो, भूख लग रही है। ये लो बेटा, सेब खा लो। अरे मुन्ना अपने हाथ तो धो लो। पर क्यों दीदी, मेरे हाथ तो साफ है। तुम बाहर से खेल कर आए हो, जाने कितने ही कीटाणु तुम्हारे हाथों में होंगे जो तुम्हें दिख नहीं रहे। हमें शौच के बाद, बाहर खेलने के बाद, कहीं से आने के बाद, कुछ भी खाने से पहले हाथ जरूर धोने चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे हाथ के कीटाणु खाने के साथ मिलकर हमारे शरीर में जाकर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं। अरे मुन्ना तुम्हारे नाखून कितने लंबे और गंदे हैं। काकी इसके नाखून क्यों नहीं काटे आपने? अरे इतनी क्या बड़ी बात है, मैं नाखून काट दूंगी। काकी गौर से देखिए, मुन्ना के नाखून में कितनी गंदगी भरी है। ये मुन्ना के बीमार होने का कारण बन सकती है। भला ये कैसे संभव है? संभव है काकी, यह गंदगी खाने के साथ पेट में जाकर मुन्ना को किसी भी संक्रमण से ग्रस्त कर सकती है और मुन्ना बीमार हो सकता है। मैं आज ही इसके नाखून काटती हूँ। देखा दोस्तों, अपने आसपास की और अपनी सफाई रखनी कितनी आवश्यक है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि सड़कों की, शौचालयों की, पार्क आदि की सफाई रखने की जिम्मेदारी समाज के किसी एक वर्ग की ही क्यों होती है? ये तो बराबर से सबकी जिम्मेदारी है। काकी एक बात बताइए, जब हमने आपसे कहा कि आज आपने कूड़ा बाहर क्यों फेंका, तो आपने बताया चुन्नू काका आज भी कूड़ा लेने नहीं आए, इसीलिए आपने बाहर फेंक दिया। हाँ बोला था। काकी ये बताइए, क्या गांव को साफ रखने की जिम्मेदारी केवल चुन्नू काका की ही है? अगर वो कभी बीमार हुए जैसे कि आज, तो क्या सब लोग अपने घरों के बाहर कूड़े का ढेर लगा देंगे? सोचिए ऐसा हुआ तो हर तरफ सिर्फ गंदगी दिखेगी और बीमारियां फैलेंगी। पर बच्चों चुन्नू का काम ही गांव में सफाई रखना है, भला उसका काम हम क्यों करें? चुन्नू काका तो हमारे द्वारा फैलाई हुई गंदगी को समेटते हैं, भला सफाई रखना उनका काम ही कैसे हुआ? हमें तो उनका धन्यवाद करना चाहिए कि उनकी वजह से गांव कितना सुंदर और स्वच्छ दिखता है। काकी ये तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है और अपने काम को स्वयं ही करना चाहिए। और क्या आपको याद नहीं, 2014 में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। जब वह प्रधानमंत्री होकर
हाथ में झाड़ू लेकर अपने आसपास की सफाई रख सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और समाज के किसी एक समुदाय की सफाई की जिम्मेदारी बताकर अपने हाथ नहीं झाड़ने चाहिए। काकी, आप सोचिए, चुन्नू काका जैसे कितने ही लोग शौचालयों, सड़कों, नालों अथवा गटर की सफाई करते हैं। नालों और गटर की सफाई करते समय उनका दम भी घुट सकता है और कुछ भी बुरा हो सकता है। ठीक कह रहे हो बच्चों, हमें निरंतर उनका धन्यवाद करते रहना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हमारा वातावरण स्वच्छ और सुंदर दिखता है। उन्हें हमारे सहयोग की जरूरत है, हमें उन्हें सम्मान की नजर से देखना चाहिए। दोस्तों, मुझे उठाने की जिम्मेदारी समाज के किसी एक वर्ग की नहीं है। मुझे उठाने में संकोच नहीं, गर्व होना चाहिए, क्योंकि मैं आपके वातावरण को स्वच्छ बनाने में सहायक हूँ। बच्चों, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। काकी, वादा कीजिए, अब आप अपने आसपास की ही नहीं बल्कि गांव की सफाई का भी ध्यान रखेंगी और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगी। हाँ बच्चों, आज से मैं व्यक्तिगत स्वच्छता और वातावरण की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखूंगी। आशा करती हूँ इस वीडियो के द्वारा आपने स्वच्छता के महत्व और आप सबके जीवन में सफाई कर्मचारियों के अवर्णनीय योगदान को समझा होगा। उनका आदर करना आप सबका कर्तव्य है। अपने आसपास की सफाई को बनाए रखें और हमेशा स्वस्थ रहें। खेल कूद और बच्चों का विकास। स्वस्थ विकास के लिए खेल महत्वपूर्ण है। बच्चे खेलना पसंद करते हैं क्योंकि यह उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से बढ़ने में मदद करता है। ग्रामीण भारत के खेल जैसे कुश्ती, मलखंभ, कलारीपयट्टू, कबड्डी, नौका दौड़ इत्यादि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो गए हैं। इन खेलों से जुड़े खिलाड़ी भी बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। पीटी उषा, हिमा दास, दूती चंद, गीता फोगाट, करणम मल्लेश्वरी जैसे कई जाने माने खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। वे सब हमारे खूबसूरत गाँवों में ही पली बढ़ी है। आइए हम कर्नाटक के एक छोटे से गांव में जाएंगे। यहां दो नवोदित खिलाड़ियों मंजू और रेणुका की कहानी के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में बच्चों के जीवन में खेल का महत्व और उससे जुड़े अन्य पहलू को समझना है। माँ, मैं अपने दौड़ प्रतियोगिता के अभ्यास में जा रही हूँ क्योंकि अध्यापिका ने मुझे बताया है कि आज चयन है। दौड़ना और तुम? अरे भाई, तुमको पता नहीं, मैं दौड़ सकती हूँ, कूद सकती हूँ और मैं वो भी काम कर सकती हूँ जो तुम नहीं कर सकते। अच्छा, मैं खाना बना सकती हूँ, कढ़ाई भी कर सकती हूँ और खेल भी सकती हूँ। क्या आप ये सब कर सकते हैं? मैं बल्ले को घुमा सकती हूँ, फुटबॉल को किक मार सकती हूँ। अच्छा बाबा, मैं हार गया। क्या कोई तुम्हारे साथ आज तक बहस में जीता है?
माँ, मेरी अध्यापिका को उम्मीद है कि मैं दौड़ प्रतियोगिता में धारवाड़ जिले में पहले स्थान पर रहूंगी। यह तो बहुत अच्छी बात है। चयन के लिए शुभकामनाएं। मुझे अपनी छोटी बहन पर गर्व है। वह कुछ ऐसा हासिल कर रही है जिसे मैं नहीं कर पाया। बहुत बढ़िया। धन्यवाद माँ। भाई, मैं मेडल जरूर लाऊंगी। माँ, मुझे आज देर हो जाएगी, चिंता मत करना। मैं रेणुका के घर जाऊंगी और वहाँ से अपनी प्रैक्टिस के लिए जाऊंगी। इतनी भाग्यशाली हो मंजू, तुम्हारा परिवार तुम्हें दौड़ने की प्रतियोगिता में जाने की अनुमति दे रहा है। मैं भी भाग लेना चाहती हूँ, पर पिताजी नहीं मानेंगे। अच्छा, फिर अभी तुम मेरे साथ कैसे आई? मैं सिर्फ अपनी माँ को बताकर तुम्हारे साथ आ रही हूँ, मेरे पिताजी तो मना ही कर देते। अध्यापिका कुछ ना कुछ करेंगी, तुम्हारे पिताजी को समझाएंगी। आओ अभी चलें। क्या आप सभी को पता है कि एक बच्चे को अपने शारीरिक, भावनात्मक और रचनात्मक विकास के लिए खेलने की आवश्यकता है? कई अध्ययनों में बताया गया है कि बच्चों को खेलने से स्फूर्ति आती है, खेलों से आपसी सद्भाव और मैत्री भाव भी बढ़ता है। क्या आप सभी को खेलना अच्छा लगता है? आपके हिसाब से एक अच्छा खिलाड़ी कौन होता है? रेणुका और मंजू, आओ व्यायाम करेंगे पहले। अध्यापिका जी, मैं नहीं भाग ले सकती हूँ, मेरे पिताजी ने मना कर दिया। आओ मेरे पास बैठो, मैं पहले तुम्हें कुछ बातें समझाऊंगी। क्या आपने पीटी उषा, हिमा दास आदि जैसे महान खिलाड़ियों के बारे में सुना है? हाँ अध्यापिका जी, सुना है, वे महान धावक हैं। पता है, वे सभी बहुत गरीब पृष्ठभूमि की हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं। उन्होंने हमारे देश के लिए कई पदक जीते हैं और हम सभी को गौरवान्वित किया है। कुश्ती, कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट जैसे ज्यादातर पुरुष प्रधान खेलों में भी कई महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। अच्छा, मैंने माँ को यह कहते हुए सुना कि पीटी उषा एक महान खेल महिला थी। उन्हें पयोली एक्सप्रेस के नाम से बुलाते हैं। हाँ, ठीक कहा। शहरों में और कई गांवों में सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए और बच्चों को बचपन से प्रशिक्षण शुरू करने के लिए कई खेल स्कूलों की स्थापना की है। ये बहुत रोमांचक लग रहा है। अध्यापिका जी, मैं भी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ, क्या आप मेरे पिताजी को मना सकती हैं? निश्चित रूप से, तुम और मैं अभ्यास के बाद तुम्हारे पिताजी के पास जाएंगे। मंजू, तुम भी मेरे साथ चलना। ठीक है अध्यापिका जी। जबकि मंजू और रेणुका अपनी दौड़ प्रतियोगिता के लिए अभ्यास कर रहे हैं, कुछ बातें हो जाएं। सरकार के प्रोत्साहन से काफी युवा खेलों में प्रशिक्षण ले रहे हैं। हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये खिलाड़ी विभिन्न आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं और वे सब भारत को गौरवान्वित करने के लिए खेलते हैं। क्या आप उन सभी महिला भारतीय खिलाड़ियों के नाम सूचीबद्ध कर सकते हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में हमारे देश के लिए पदक जीते हैं? अध्यापिका जी, मेरे पिताजी उन खेतों में काम करते हैं, चलिए। नमस्ते, मैं रेणुका की खेल कूद की प्रशिक्षक हूँ। नमस्ते मैडम, आप यहाँ किस लिए आई हैं? मैं जिला स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षण आयोजित कर रही हूँ।
रेणुका ने बताया कि उसे दौड़ना पसंद है और वह काफी दिलचस्पी दिखा रही है। मैडम जी, उसे दिलचस्पी है लेकिन मुझे नहीं। मुझे उसमें बहुत क्षमता दिख रही है। मैं चाहती हूँ कि आप उसे दौड़ प्रतियोगिता प्रशिक्षण लेने की अनुमति दें। मैं आपकी बात समझ गया मैडम जी। खेतों में मेरी मदद कौन करेगा, और उसे अपनी माँ की भी तो मदद करनी है। पिताजी, काम तो होता ही रहेगा। मेरे परिवार में किसी भी लड़की ने खेलकूद में भाग नहीं लिया है। अगर रेणुका खेलती है तो मेरे रिश्तेदार मजाक उड़ाएंगे। यह तो गर्व की बात है कि वह आपके घर की पहली लड़की है जो दौड़ रही है। वो चाहते हैं कि मैं थोड़े दिनों में उसकी शादी कर दूं। मुझे शादी थोड़ी ना करनी है पिताजी। सरकार ने भी बोल दिया है कि 14 वर्षों तक हमें पढ़ाई करनी है और खेलना कूदना है। मैं 18 साल की होने के बाद ही शादी करना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं कि भारत में कई कानून हैं जो सभी बच्चों को जिम्मेदार नागरिकों के रूप में विकसित होने का अवसर देते हैं। शिक्षा का अधिकार की वजह से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूल जाने के लिए अनिवार्य यानी कंपलसरी है। 14 वर्ष से कम का कोई भी बच्चा किसी भी कारखाने, घर या कहीं भी काम नहीं कर सकता है। वह अपराध है। कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी नहीं हो सकती है। कई अन्य अधिकार हैं जो बच्चे के विकास में मदद करते हैं। क्या आप उन्हें सूचीबद्ध कर सकते हैं? रेणुका ठीक कह रही है। यह एक गलत धारणा है कि केवल लड़कों को खेल खेलना चाहिए। मैं एक लड़की हूँ और मैं अपने भैया से भी तेज दौड़ सकती हूँ। ये सब पुरानी बातें हैं। इतनी सारी लड़कियाँ और महिलाएं खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। जी मैडम। खेल बच्चे के विकास के लिए अच्छा है, चाहे वह लड़का हो या लड़की। मैं लड़कों और लड़कियों दोनों को समान अवसर देने में विश्वास रखती हूँ। जी, मैं समझ रहा हूँ। मंजू को देखिए, वह अपनी माँ और अपने पिताजी की मदद करती है। उसके पिताजी ने भी पहले मना कर दिया था, अभी तो उन्हें मंजू पर बहुत गर्व है। मुझे यकीन है कि वह डिस्ट्रिक्ट गेम्स में अपनी उम्र के कैटेगरी के लिए पदक जीतेगी। मेरी बेटी ने अब तक प्रशिक्षण नहीं लिया है, क्या वह कल जीत पाएगी? अब प्रशिक्षण का क्या उपयोग है? मैं समझती हूँ आप जो कह रहे हो। रेणुका में बहुत दृढ़ता और सहन शक्ति है। खिलाड़ियों के लिए यह आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वह पदक जीते। वह खेल का आनंद लेती है, इसलिए उसे प्रशिक्षित होने दें। शायद अगली बार पदक जीत जाए। चाचा जी, इजाजत दीजिए, हम एक साथ प्रशिक्षित होंगे और मेडल जीतेंगे। कृपया समझें कि बच्चों को खेलने का अधिकार है। उन्हें अपने बचपन का आनंद लेने दें, पढ़ाई करने दें, खेलने दें, कुछ हासिल करने दें। अगर वह खेलती है तो यह उसे शारीरिक और मानसिक रूप से मदद करेगा। यह उम्र उसकी खेलने कूदने की है। लेकिन मैडम जी, वह इतनी कमजोर है, क्या वह प्रशिक्षण ले पाएगी? कृपया अपनी पत्नी से उसे पौष्टिक और स्वस्थ भोजन देने के लिए कहें। इससे उसकी सहनशीलता में सुधार होगा और उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। जब वह प्रशिक्षण शिविर में शामिल होगी तब उसे पौष्टिक भोजन भी दिया जाएगा। ठीक मैडम जी, यदि आप जोर देती हैं तो मैं उसे कल से कोचिंग के लिए भेजूंगा। खेतों के लिए किसी और की मदद ले लूंगा। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद अध्यापिका जी। धन्यवाद। मैं दोनों लड़कियों को ले जाऊंगी और उन्हें घर पर छोड़ दूंगी। कृपया उसे कल से भेजें। उसके खेल के कपड़े और सामान स्कूल द्वारा प्रदान किए जाएंगे। मैं अभी चलती हूँ। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा है, खेलना एक मौलिक अधिकार है। यह टीम की भावना को बढ़ाता है और खिलाड़ियों को एक साथ लाता है। इस वीडियो में हमने खेल के महत्व को समझाया है।
समझाया है कि खेल बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है।